बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक बार फिर हुआ हादसा, गई एक व्यक्ति की जान। मुनेश्वर राय की करंट लगने से हुई मौत। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड अंतर्गत दिनमानपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 9 में 52 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से हुई मौत। बता दें कि शिरोल गांव निवासी मुनेश्वर राय की करंट लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि मुनेश्वर राय मवेशी का चारा लाने गए थे। पगडंडी के रास्ते वो जा रहे थे जहां 11,000 वोल्टेज तार लटका हुआ था। कई महीनों से तार नीचे बांध कर छोड़ दिया गया था जिसके कारण उनकी मौत हुई। वहीं जानकारी देते हुए बताया गया कि बिजली विभाग को कई बार दूरभाष के माध्यम से जानकारी भी दी गई लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा और आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि यहां के जनप्रतिनिधियों ने कई बार उनको जानकारी दी फिर भी उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मौके पर खानपुर थाना पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। बहुत पहले से ही तार है नीचे की ओर था, बहुत बार विभाग को इसकी सूचना भी मिली। आज संयोग बस मुनेश्वर राय पिता स्वर्गीय है ना बटाव राय ग्राम सुरौल वार्ड नंबर 9 अपने खेत में घास के लिए जा रहे थे, गला में फंदा लगा और वहीं घटना स्थल पर इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग का इनके दो बच्चे हैं, इनके परिवार में इन्हीं पर परिवार चलता था। अब हम लोग का मांग है कि कम से कम सरकार इसे 10 लाख मुआवजा दे और जो पदाधिकारी दोषी है उसको सजा मिले। निर्मनपुर उत्तरी पंचायत है, वार्ड नंबर 9 है, लाडले जी पब्लिक है, जनता है और क्या है, सामाजिक इस गरीब का कल्याण करते हैं। हम लोग सरकार से कम इनके परिवार के लिए 10 लाख मुआवजा का राशि, दो बच्चे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था सरकार करे और चार बच्चा है उसके लिए अलग से व्यवस्था करे और दोनों कन्याभंता और दोनों जो दोषी पदाधिकारी है उसको सजा दिलाए, न हो अनहोनी न हो की जा रही है। साफ और कई महीनों से कोई नई बात है, आज नहीं महीनों से यही है और बार बार दूर संचार से माध्यम से जनता की ओर से उनको गुहार लगाया गया लेकिन आज तक इसकी कोई सही उपाय नहीं किए जिसके कारण इतना बड़ा घटना हुआ है। भविष्य में और इससे बड़ा घटना हो सकता है। दिनमनपुर उत्तरी पंचायत में सिरौल गांव में बिजली विभाग के वार्ड नंबर 13 में वार्ड नंबर 9 है, बिजली से करंट लग के मर गया है, 11,000 से तार गिर गया था और बिजली विभाग बहुत लापरवाही है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि 2 महीना से तार गिरा हुआ है और बिजली विभाग के जेई या अन्य कोई पदाधिकारी इस पर जो है सो मैंने संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जो भी पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो तो उसको तो सुधार आती जल्दी ठीक करा दिया जाएगा। ग्रामीण का सुरौल हुआ पंचायत दिलमन पर उतरी है, ये 5:30 बजे लगभग घास के लिए चौर के लिए निकले थे, बिजली 11,000 लटका हुआ है पोल, इसी कारण उनका मृत्यु हुआ। बिजली विभाग का SDO जेई के 52 वर्ष दिलमन पर उतरी सुरौल बिजली से 5:30 बजे सामने ये जा रहे थे घास लाने में। आज महीनों से लापरवाही ये बिजली डिपार्टमेंट के जेई और SDO साहब के लापरवाही से ये घटना हुआ है। 11,000 का तार लटका हुआ था,
महीनों से कंप्लेन करने पर कोई कंप्लेन इन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो है सादीपुर फीटर में ये लोग बिल्कुल लापरवाही करते हैं, यहाँ से कोई भी कॉल जाता है तो इन लोगों ने उस कॉल को डिटेल नहीं करते, और इसीलिए इतना बड़ा घटना हुआ है। बहुत बड़ा अफसोसनाक कहानी है, और हम लोगों ने आज अगर इन लोगों को इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कल डेड बॉडी को लेकर के रोड जाम करेंगे। हम लोगों का डिमांड है कि 10 लाख रुपया इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गरीब आदमी है। मृतक का नाम मुनेश्वर राय, लगभग 52 साल, 2 लड़का 2 लड़की है, एक लड़की शादीशुदा है, पत्नी हुई अभी जीवित कर चुके हैं। ये दिनमनपुर उतरी 9। आपके अपने ही शहर पुपड़ी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैन लैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मन पसंद का मोबाइल ले जाएं, मन पसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।